गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 2. एज यू कैन सी द नेम ऑफ द लेसन इज द एंग्री ड्रैगन. एंग्री ड्रैगन, हियर यू कैन सी टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ ड्रैगन्स. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली इन यूरोप एंड एशिया, in England and basically in China, in these two countries, two different kind of concepts of dragons are there. Okay, two different kind of concepts, there are some similarity in both concepts, but there are lots of differences also. Here the story is all about such kind of a dragon in the Chinese hillside area. This story has been taken from a folk tale of the ancient Chinese people. So, let us start the story. A long time ago, at the foot of a mountain in China, there was a lovely village. The village had plenty of water and crops grew well. Everyone had enough to eat and people were happy. Then everything changed. This is a story of ancient time, long, long time ago. चाइना के एक पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था. बहुत ही प्यारा सा गांव था. वह पानी का कोई कमियां नहीं था और इसके चलते ढेर सारे फसल हुआ उगा करते थे. लोगों को खाने के लिए भरपूर अनाज होते थे उनके घरों में और लोग बहुत खुश भी थे. और धीरे धीरे ये सब परिवर्तन होने लगा. A huge noisy dragon came to live in a big hole that appeared on the top of the mountain. फिर एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा और शोर शराबा करने वाला एक ड्रैगन वहाँ जिस पर्वत के नीचे तरफ गांव बसा हुआ था, उस पहाड़ी उस पर्वत के ऊपर एक गुफा में एक ड्रैगन रहने के लिए आया. It breathed out fire and threw up rocks from the hole. और वो ड्रैगन क्या करता था, उसके मुंह से आग निकालता था. वो ड्रैगन वहाँ अपने मुंह से आग निकाला करता था और उस गुफाओं में, उस होल में से वो पत्थरों को निकाल के बाहर फेंका करता था. Sometimes it bellowed in such a loud voice that all the people in the village left their houses and ran away to another village till rumbling stopped. कभी कभी वो बिलोड मतलब आवाज करना, तेज आवाज करना. कभी कभी वो इतना तेज आवाज क्या करता था कि लोग उस नीचे गांव के लोग बहुत डर जाते थे और अपना घर वर छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते थे, जब तक ना उसका उस रंबलिंग, गुस्से भरा तेज गुर्राने की आवाज जब तक बंद ना होता था. Now the clouds did not bring rain to the mountain and no cool water come trickling down. अब जैसे ही वो ड्रैगन उस पर्वत में अपना जगह बना, घर बना लिए थे, तब से बादल वहाँ बारिश नहीं ले आता था. और बारिश नहीं होता था तो पहाड़ी या पर्वत के गांव से जो छोटा नदी के धारा नीचे उतरता था वो भी नहीं आता था पानी. और क्या हो गया, द क्रॉप्स डाइड अप, और गांव के जो किसानों के लगाए हुए फसल था वो सब मर गए. लाइफ बिकेम वेरी हार्ड फॉर विलेजर्स, गांव के लोगों के लिए अब जिंदगी बहुत ही कठिन हो गया था. they did not dare to climb the mountain to find out what was wrong. परंतु वो इतना डरे हुए थे कि कोई भी हिम्मत नहीं करता था उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए और देखने के लिए कि वहाँ क्या गड़बड़ी है. The elders in the village warned the children, गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बच्चे लोगों को सावधान कर देते थे. डोंट गो नियर द माउंटेन, दे सेड, वो लोग क्या कहा करते थे
कि उस पर्वत के किनारे नज़दीक मत जाओ। इफ़ यू डू द थंडरिंग ड्रैगन इज श्योर टू गेट यू, ही विल टेक यू अवे एंड ईट यू अप। और क्या कहकर डराते थे कि तुम यदि गलती से उस ड्रैगन के पास चले जाओगे तो वो थंडरिंग ड्रैगन इसलिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे बादल गरजने से बहुत तेज आवाज़ होता है, ये ड्रैगन भी वैसे ही तेज आवाज़ किया करता था, तो इसीलिए उसका नाम थंडरिंग ड्रैगन बुजुर्ग ने दिया था। शोर शराबा करने वाला ड्रैगन, वो क्या करेगा, वो तुम्हें पकड़ लेगा और वो तुम्हें लेके दूर चला जाएगा और ईट यू अप, और तुम्हें आ जाएगा। ऑल द चिल्ड्रेन वर रियली स्केयर्ड ऑफ द नॉइज द ड्रैगन मेड एंड स्टेड अवे। और इसीलिए गांव के सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते थे उस शोर शराबे ड्रैगन के उस शोर शराबे से, और वे हमेशा उस पर्वत से दूर रहते थे। मेलिंग हु वॉज 5 years and 11 months ओल्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। उसी गांव में मेलिंग नाम के एक 5 साल 11 महीने की उम्र के एक छोटा सा लड़की रहते थे, जो अपने माता पिता का इकलौती बेटी थी। शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग इन द गार्डन बाय हरसेल्फ, शी कुड सी द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम हर गार्डन। मेलिंग अपने घर के जो बगीचा हुआ करता था, उस बगीचे में बैठ के लंबे समय तक अपने आप खेला करते थे, और वो उस बगीचे में बैठकर पर्वत के शिखर या चोटी को भी अच्छे से देख सकते थे। ठीक है। समटाइम्स एज शी प्लेड देयर शी कुड सी द ड्रैगन थ्रोइंग आउट फायर एंड रॉक्स एंड मेकिंग सच अ डिन दैट शी कुडंट इवन हियर हर डॉल्स। कभी कभी वहाँ बैठे बैठे वो क्या देख पाते थे, पर्वत के ऊपर से ड्रैगन को आग जैसे मुंह से आग निकलते थे, उस आग के लपटे को भी वो दूर से देख सकते थे, और वो ये भी देख सकते थे वो गुफाओं में से पत्थरों को नीचे फेंक रहे हैं। और वो ऐसे करते करते कभी कभी इतना तेज चिल्लाते थे, डिन मतलब तेज़ आवाज़ करते थे कि मेलिंग ने अपने खिलौने की आवाज़ तक सुन नहीं पाते थे। ठीक है। माई वाटर टंट्रम, यह माई मतलब माई गॉड, इस सेंस में वो इस्तेमाल किया है, माई गॉड वाटर टंट्रम शी थॉट एज शी पुट हर डॉल्स टू द बेड। अब वो अपने डॉल्स को खिलौने गुड़िया लोगों को उसके जो छोटे बिस्तर हुआ करता था गुड़ियाओं का, वो बिस्तर पे सुलाते सुलाते मेलिंग ने कहने लगा वाटर टंट्रम, टंटन मतलब टंट्रम बदमिजाजी, यानी जो जिसे सही ढंग से लोगों के साथ बिहेवियर करना नहीं आता है। ठीक है। तो कितना बदमिजाजी है ये ड्रैगन, शी थॉट, उसने सोचने लगा, हैज़ नो वन टॉट दैट ड्रैगन हाउ टू बिहेव, क्या किसी ने उसको ये नहीं सिखाया कि कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए या कैसे अच्छे से पेश आना चाहिए। आई वंडर हु लुक्स आफ्टर इट, मुझे तो इस बात से हैरानी होता है कि उस कौन उसका देखभाल करता है, मतलब उसका जरूर माता पिता या और भी कोई होंगे जो उसका रख रखवाल ख्याल करते होंगे। मे बी इट जस्ट लोनली, फिर उसने अपने आप मन में ही सोचने लगा कि शायद वो अकेले ही होंगे, क्योंकि वो यदि माता पिता या परिवार के साथ रहते होते तो वो जरूर अच्छे पेश आने के लिए सारे गुण सीख लिए होते, पर नहीं सीखे होंगे मतलब वो अकेले होंगे। शी वुड ऑफन वंडर अबाउट द ड्रैगन और इसीलिए वो प्राय ही ड्रैगन के बारे में सोचते रहता था। द मोर शी थॉट अबाउट इट द मोर शी फेल्ट दैट द ड्रैगन वॉज रियली लोनली। जैसे जैसे वो ड्रैगन के बारे में और सोचने लगा, ये सोच उसके दिमाग में दृढ़ बन गया कि ड्रैगन जरूर बहुत ही अकेले होंगे या बहुत अकेलेपन महसूस करते होंगे। वन डे मेलिंग्स मदर आस्क्ड हर,
You will be 6 years old soon. Whom would you like to invite to your birthday party? एक दिन मेलिंग के मम्मी उनको मेलिंग से पूछे कि तुम जल्दी ही 6 साल के हो जाओगे, तो तुम किस किस को अपने बर्थडे में बुलाना चाहोगे, बर्थडे पार्टी में? मेलिंग ने क्या जवाब दिए? I'll invite all my family and friends and I'll ask the dragon as well, she announced. उसने क्या कहा कि मैं अपने सभी परिवार के सदस्य और मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा और साथ ही साथ मैं उस ड्रैगन को भी मेरे बर्थडे में इनवाइट करूंगा. और ये बोलते हुए एंड शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन टू इनवाइट द ड्रैगन. और वो दौड़ते हुए पहाड़ी पे चढ़ने लगे, उस पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे. किस लिए? ड्रैगन को इनवाइट करने के लिए. कम बैक यू क्रेजी गर्ल, यील्ड हर मादर, द ड्रैगन विल किल यू. पीछे से मम्मी चिल्लाने लगे, वापस आ जाओ बेवकूफ लड़की, वो ड्रैगन तुम्हें मार देंगे. When Mailing was half way up the mountain, there was a huge road. From where she stood, Mailing could hear some of the words the dragon was roaring out. अब Mailing आधा पर्वत के शिखर तक पहुँच चुके थे, आधा रास्ता जब तय किए थे, तब Mailing ने बहुत तेज ड्रैगन के शोर शराबे की आवाज़ सुनने लगा. और कुछ कुछ आवाज़, कुछ कुछ बातें जो ड्रैगन चिल्लाते हुए कह रहा था, वो बातें भी Mailing के कान में आने लगा. कैसे? आई लीव आई अलोन आई एम द ड्रैगन एज स्टोन, ठीक है, चिल्ला रहा था. देयर वॉज अ रश ऑफ हॉट स्टोन्स डाउन द माउंटेन एंड Mailing रन बैक होम. और फिर क्या हुआ, ये बातें सुनते सुनते Mailing के ऊपर से बहुत गरम गरम पत्थर के बड़े बड़े गरम गरम पत्थर लुढ़कते हुए Mailing के ऊपर जैसे ही गिरने आ रहा था, Mailing डर के मारे दौड़ते हुए नीचे उतर गए और घर पहुंच गए. आई होप दैट टॉट यू टू लिसन टू योर ओल्डर्स, स्कोल्डेड हर मादर. मम्मी ने गुस्से से Mailing को डांटते हुए कहा, अब तुम्हें ज़रूर ये सीख मिल गया है कि बड़ों के बात नहीं सुनने से क्या होता है, मतलब दोबारा ऐसे मत करना. मम्मी का कहना कुछ ऐसा था. द नेक्स्ट डे Mailing's फादर सेड, Mailing वुड यू लाइक टू ऐड एनीवन्स नेम्स टू योर बर्थडे लिस्ट. Mailing के पापा ने Mailing के अगले दिन पूछे, Mailing क्या तुम तुम्हारे बर्थडे लिस्ट में और किसी का नाम जुड़वाने चाहोगे? चाहोगे? वेल आई वॉन्ट टू ऐड द ड्रैगन्स नेम, डिक्लेयर्ड Mailing एंड सेट अप द माउंटेन वंस मोर. Mailing ने बोला, हाँ मैं उस ड्रैगन का नाम जुड़वाना चाहूँगा. और ये बोलते हुए फिर से Mailing दोबारा अगले दिन तेजी से दौड़ते हुए पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे. कम बैक यू स्टूपिड सिली गर्ल, रोड हर फादर, द ड्रैगन विल पिक यू अप एंड कैरी यू अवे. चिल्लाते हुए पापा ने क्या कहने लगा, वापस आ जाओ बेवकूफ लड़की, और वो ड्रैगन तुम्हें उठा ले जाएगा और दूर कहीं ले जाएगा. बट Mailing वुडंट कम डाउन, शी हैड ऑलमोस्ट रीच द टॉप, नाउ शी कुड सी द ड्रैगन. और Mailing किसी का बात नहीं सुना, दौड़ते हुए ऊपर चढ़ गया जहाँ से वो लगभग उस बड़ा सा एनर्मस ड्रैगन को देख पा रहा था, विथ इट्स ह्यूज टेल, और जिसके बहुत लंबा सा एक पूंछ था. इट वॉज थम्पिंग इट्स टेल एंड बेल्टिंग आउट अ फियरफुल सॉन्ग. उस ड्रैगन क्या कर रहा था, लेटे हुए था और उसका पूंछ से जमीन पे थपथपाते हुए आवाज़ करते हुए गाना गा रहे थे. बेल्टिंग आउट मतलब चिल्लाते हुए गाना गा रहा था. क्या गाना गा रहा था? You dare not roam near my home. I am the dragon breathing fire and stone. उसने क्या कहने लगा कि तुम्हें मेरे घर के आसपास इस तरीके से आने की हिम्मत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक आग और पत्थर फेंकने वाला, आग और पत्थर निकालने वाला या फेंकने वाला एक ड्रैगन हूँ. Fierce flames flew out of the dragon's mouth and almost licked Mailing's long black hair. और फिर उस ड्रैगन ने अपने मुंह से आग के लपेट
आग निकलने लगा और वो लगभग लगभग आग के लपेट में लिंग के बालों को झुलसाने जा रहा था या लगभग जल जाता बाल इस तरीके से नज़दीक से गुजर गया। शी टर्न्ड एंड रन बैक होम बिफोर द ड्रैगन कुड बर्न हर अप। फिर उसने मेलिंग डर गया और दोबारा वहाँ से डर के मारे ड्रैगन उसे मार दे उससे पहले वो दौड़ते हुए नीचे घर वापस आ गया। आई होप यू हैव लर्नड योर लेसन सेड हर फादर। मुझे लगता है तुम्हें अब वाकई ही सीख मिल गया। डोंट एवर डू एनीथिंग लाइक दैट अगेन। अब दोबारा ऐसे कभी मत करना। मेलिंग्स बर्थडे डॉन ब्राइट एंड क्लियर। मेलिन का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन सुबह सुबह जब सूरज निकला वो दिन काफ़ी सुनहरा था, काफ़ी साफ सुथरा आसमान था। एक बहुत ही अच्छा लवली डे फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन था। आई वॉन्ट द ड्रैगन एट माई पार्टी सेड मेलिंग। वंस मोर शी सेट अप द माउंटेन। हर फादर कॉल्ड हर बैक। हर मादर बेग्ड हर नॉट टू बी सो फूलिश। नो गो नो फर्दर मेलिंग। हर ग्रैंड पेरेंट्स बेग्ड हर। हर फ्रेंड्स प्लेडेड ओ मेलिंग डोंट डू दिस टेरिबल थिंग। अब बर्थडे के सुबह मेलिंग को फिर से उस ड्रैगन को याद आने लगा और बोलने लगा कि मुझे उस ड्रैगन को अपने पार्टी में चाहिए था। और ये बोलते हुए मेलिंग फिर से पहाड़ के ऊपर पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। पीछे से मम्मी आवाज़ देने लगे, पापा आवाज़ देने लगे, वापस आ जाओ बेवकूफ। दादा दादी ने आवाज़ देने लगा कि मेलिंग और आगे मत जाओ। उसके दोस्त लोग चिल्लाने लगा, उसके दोस्त लोग प्लीज यानी अनुरोध करने लगा मेलिंग से। मेलिंग डोंट डू दिस टेरिबल थिंग। ये भयानक काम मत करो मेलिंग। बट मेलिंग वेंट हायर एंड हायर अंटिल शी रीच्ड वेरी टॉप। और दौड़ते दौड़ते मेलिंग एकदम ऊपर शिखर तक पहुंच गए, टॉप तक। देयर वॉज अ फायर अप देयर एंड द ग्राउंड शुक विद द ड्रैगन्स बिलो। और जैसे ही मेलिंग वहाँ पहुँचा तुरंत ड्रैगन ने गुस्से भरे आँखों से उसको देखते हुए मुँह से आग निकल दिया और पूरा पहाड़ के ऊपर तक हिलने लगा उसके तेज गुर्राने की आवाज़ से। मेलिंग हार्ड द ड्रैगन सेइंग। फिर मेलिंग ने उस ड्रैगन को क्या कहते हुए सुना। आई लिव अलोन इन माई डीप डार्क केव। हु कम्स हियर सो डेयरिंग एंड ब्रेव। Mailing said, "You are certainly fierce. I'm sure you are lonely as well." Dragon ने पूछा, किसका इतना हिम्मत है कि मैं मेरे इस अंधेरा अकेला गुफाओं में आने की, कौन है वो जिसका इतना हिम्मत है मेरे सामना करने का। Mailing ने बोल क्या जवाब दिया कि हाँ तुम जरूर बहुत ही खतरनाक होंगे पर मैं ये भी निश्चित हूँ कि तुम बहुत अकेले भी होंगे। सो आई हैव कम टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। और इसलिए मैं तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई हूँ। द ड्रैगन सडनली स्टॉप्ड रोरिंग। फिर ड्रैगन ने अचानक से चिल्लाना बंद कर दिया। मेलिंग इट सेड इन अ जेंटल वॉइस। फिर ड्रैगन को मेलिंग के हमदर्दी पर बहुत ही अच्छा लगा और वो नम्रता से बोला, मेलिंग नोबडी हैज़ एवर स्पोकन टू मी लाइक दैट। कोई भी मेरे साथ आज तक ऐसे बात नहीं किया। यू आर काइंडर एंड ब्रेवर देन एनीवन आई हैव सीन। मेरे देखा हुआ जितना भी इंसान है, जितना भी जानवर है, उनमें से सबसे ज़्यादा काइंड, दयालु और सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले तुम ही हो। I will certainly come to your party. मैं जरूर तुम्हारे पार्टी में आऊँगा। Climb onto my back and we will go down the mountain together. तुम मेरे पीठ पे सवार हो जाओ और हम दोनों मिलके नीचे उतर जाएंगे पहाड़ी के नीचे। As they went down the mountain, a cool blue ribbon of water appeared behind them. जैसे ही वो पहाड़ी से उठते हुए नीचे की ओर आने लगा उनके पीछे पीछे पहाड़ी से फिर नीला पानी की एक धारा बहते हुए नीचे उतरने लगा। द रिवर फ्लोट देम ऑल द वे डाउन टू द विलेज। और वो नदी उन लोगों का पीछा करते करते गांव में पहुंच गया। वंस मोर द विलेज हैड कूल फ्रेश वाटर। फिर से गांव वाले को एकदम ताज़ा ठंडा पानी मिला।
पानी का मुहैया हुआ। सून द ट्रीज ग्रू बैक एंड क्रॉप्स स्टार्टेड थ्राइविंग। फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और फसल थ्राइव करने लगा, बढ़ने लगा। द पीपल हैड प्लेंटी टू ईट एंड वर हैप्पी अगेन। लोगों को फिर से खाने के लिए भरपूर अनाज मिलने लगा और लोग बहुत खुश भी था। एज फॉर द ड्रैगन इट स्टेड इन द विलेज इन चाइना। और वो ड्रैगन के बारे में, वो तो फिर चाइना में उसी गांव में रह गया। द पीपल थॉट ऑफ इट एज अ मैस्कॉट दैट ब्रॉट गुड लक। और उस गांव के लोग उसे एक सिंबल मैस्कॉट गुड लक यानी सौभाग्य अच्छा किस्मत के चिन्ह मानते रहे। मेलिंग बिकम अ ग्रेट हीरोइन एंड लिव टू सेलिब्रेट मेनी मेनी बर्थडे। और मेलिन उस गांव के लिए एक हीरोइन सा बन गई थी, सबके लिए एक महान नेत्री या नेति महान अधिनायक या लीडर बन चुकी थी। और वो आगे बहुत सारे बर्थडे मनाते रहे इस तरीके से। ये वाकई ही एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा। एक बार फिर इस कहानी को आप लोग सुनिएगा और फाइनली बुक को दोबारा रीड कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ।